हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आपको स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल साइन फोटो क्लब में। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लेकर आया हूं, जिसका पूरी तरह से आपको समझाकर बताया हूं इस वीडियो में कैसे इसका यूज करना चाहिए और इससे क्या आपको बेनिफिट है। खास करके उन लोगों को इस एप्लीकेशन से बहुत फायदा होगा जिनका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश पुअर है, इंग्लिश में उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बात किया हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, और इसे कैसे इंस्टॉल करें सब कुछ मैंने बताया है वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखें और पूरा वीडियो देखें जिसमें आप इसे यूज करना समझ सके और एक बार देख ले उसके बाद ही आप इसे इंस्टॉल करें, वरना नहीं करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में कमेंट करके आप इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली नए नए टेक्नोलॉजी वीडियो और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बल्कि घंटा बटन जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा और यहाँ पर लिखेगा या आपको यस या नो करना है, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कि वह जो टेक्स्ट आप लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा होगा वह आपको स्पीक करके बताएगा, और उसके बाद यह जो है जो जो ऑप्शन खुल रहा है सभी को मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले आप ध्यान से देख लें, समझ लें, तब जब आपको कन्फर्म हो ले कि यह एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा है, सूटेबल है, तभी आप इसे इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो ट्रांसलेटर ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको कुछ भी वर्ड, जो वर्ड आपको नहीं आ रहा इंग्लिश में उसका वर्ड मीनिंग चाहिए, उसके बारे में चाहिए, या फिर कोई सेंटेंस का हिंदी चाहिए, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप किया बुआ, दूसरा सेंटेंस भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, लड़का लिख गया है, और यही नहीं यहाँ पर आपको स्पीक करके बताएगा भी, आप सुन भी सकते हैं और बड़ा सेंटेंस भी आप टाइप कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आप टाइप करें तो उसका यहाँ पर नहीं भी लिखेगा, समथिंग बेंट रॉन्ग करके ऐसा ही कुछ लिखेगा, तो उससे किस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो होता है कभी कभार, बाकी ठीक है। यहाँ पर अब मैं बैक होता हूँ, इसमें थोड़ा आपको एडवर्टाइजमेंट भी आता है, यदि आपको एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है उसे हटाना है तो ये जो सेटिंग का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करिएगा और रिमूव ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ आपको पैसा पेड करना होगा, तब आप रिमूव जो ऐड है उसे हटा सकते हैं, फिर ऐड नहीं आएगा, और ऐड आने से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रखिए, थोड़ा ऐड आएगा उसे आप बैक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है डिक्शनरी का, डिक्शनरी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप चाहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस माध्यम से भी आपको चाहिए वर्ड मीनिंग खोजना आप खोज सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग शायद आपको ऑफलाइन में डिक्शनरी में नहीं मिल पाए, तो आप क्या करें कि ऑनलाइन डिक्शनरी में आपको जाना होगा, नेट आपको चालू रखना होगा, ऑनलाइन डिक्शनरी पे मैं क्लिक करता हूँ। आप चाहें तो ऑफलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है इसे बैक कर दीजिए, और यदि आप कुछ पैसा पेड कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट आना भी बंद हो जाएगा, पैसा पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं टाइप किया हूँ टाइगर, और डन का जो ऑप्शन है डन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा बाघ, और साथ ही यहाँ से आपको स्पीक भी करेगा, बोलेगा भी, जो आप साफ साफ सुन सकते हैं। फिर इसे बैक करते हैं, बैक करते जाइए उस तरह आप देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन पसंद आ रहा होगा, और लर्निंग, लर्निंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। इसे यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक्स पर क्लिक करके भी आप चाहे तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम लर्न इंग्लिश है, जो आपको शुरू में लिखा आ रहा था वही एप्लीकेशन का नाम भी है, और यहाँ पर लर्निंग का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाइए और देखते हैं यहाँ पर वर्ड एंड सेंटेंस में, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यह थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, लोडिंग लिख रहा है, और यह यहाँ पर हो रहा है, यह जैसे ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, और जैसे किसी भी वर्ड के बारे में इसे जानना है आपको, यदि यह पढ़ने आ रहा है तो आप तो ठीक है पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश जो भी है, और यदि आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको यह बोलकर सुनाएगा, आपको सुनाई पड़ेगा साफ साफ इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब क्या है। बड़ा सेंटेंस के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं, और उस तरह इसे बैक करना है।
कन्वर्सेशन, जैसे कि आप यदि स्पोकन कोचिंग कहीं किए हैं, कहीं ट्यूशन किए हैं स्पोकन का, जिसमें दो व्यक्ति के बीच में संवाद होता है, वार्तालाप किया जाता है, तो यह कन्वर्सेशन है। इस पर क्लिक करिए और यह आपको ओपन हो रहा है। इसमें आपको एक जो उधर से रहेगा, आपको खुद ब खुद अपलोडेड है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको जवाब देना है और उसके बाद उधर से आपको वो जवाब देगा। जैसे सबसे पहले आपको तो क्या है, इजी, जैसे अपना इंट्रोडक्शन, सबसे पहला स्टेप तो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले, तो यह जाना है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद प्ले, और यदि आपको नहीं जानना है तो कैंसिल कर दीजिए, और यदि आपको जानना है तो प्ले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हो, इस वार्तालाप में रानी आपसे अंग्रेजी में बात करेगी, आपको बोलकर इन सवालों को जवाब देना है। प्ले पे क्लिक करते हैं और एडवर्टीजमेंट आ गया, इसे बैक कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया टेस्ट वन है, तो कह रहा परिचय, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ गया लिखा हुआ स्टार्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ कहता है कि इसको अनुवाद करना है, थैंक यू, तो थैंक यू का मतलब क्या होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे शुभ होगा, शुभ रात्रि होगा, धन्यवाद होगा, तो धन्यवाद होता है, इस पर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चेक करना है सही है कि गलत है, चेक करें पे क्लिक कर देना है। बस आपका जवाब सही है यहाँ पर लिखा गया, आगे बढ़ें, फिर अगला उस तरह बढ़ आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी शब्दों को जोड़े, तो जो भी शब्द है उसको कहता जोड़ना है, जैसे सुबह हो गया, मॉर्निंग हो गया, सही हो गया, उस तरह अच्छा हो गया, गुड हो गया, उस तरह कर करके सबको आपको चेक करना है। लेवल 3 है ये, खराब हो गया तो बैड का मतलब खराब होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है, स्मार्ट का मतलब होशियार होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जवाब का सही है, आगे बढ़ें। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक तरह से आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं, एक तरह का गेम टाइप पे है, अच्छा लगेगा आपको, और इससे आपको इंग्लिश पर पकड़ भी मजबूत होगा। तो इसे आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि समाप्त करें, समाप्त कर पे कर देते हैं, क्योंकि इस तरह यदि मैं बताने लगूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ को बताने से नहीं है, और कहता है थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, इस पर आए करें, तो फिर हार्ड सेंटेंस आएगा, वो आसान था, फिर बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद फिर इसे बैक करना है। बैक करने के बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहा है, लेसन, यहाँ पर दिया हुआ है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस पर आपको दिखाई पड़ेगा किसका सब्जी का हो गया, वर्ड जो यहाँ पर देखिए वेजिटेबल है सब्जी का होगा, निगेटिव फीलिंग्स का हो गया, डायरेक्शन का हो गया। यहाँ पर बारी बारी से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा सब्जी है, पॉजिटिव फीलिंग हो गया, रंग है कौन कौन सा है, हर रंग का नाम हो जाएगा, विभिन्न प्रकार का जो डिजीज होता रोग होता उसका नाम, मतलब हर तरह का यहाँ पर आपको वोकैबुलरी मिल जाएगा। तो इस मामले में अच्छा है। अब इसे बैक करते हैं। अब यहाँ पर कहता है डेली वाइज, डेली वाइज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है। डेली वाइज कहता है लेसन 1, 2, 3, 4, उस तरह 40 लेसन तक है, यानी 40वां लेसन तक आप चले जाते हैं तो आपका इंग्लिश पर पूरी अच्छे तरह का से मिला जुला कर कहा जा सकता है कि आपका पकड़ हो जाएगा। यहाँ से आप बैक कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है बार बार। तो बैक करने के बाद कहता है चैप्टर वन पर क्लिक करते हैं। जो जो चीज़ आप जिस भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं उस पर ब्लू कलर का वो टिक आ जाएगा, और इस तरह यहाँ से आप पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ जो भी है, यहाँ से आप पढ़िए, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसे बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद उस तरह जितना लेसन है हर लेसन में पढ़ने के लिए, तो यह कहता है डेली वाइज 40 दिन का कोर्स है एक तरह से, जो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलता है, जिसमें किसी और अलग बंदा की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं, आप खुद घर पर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आप लोग एप्लीकेशन यूज करते होंगे गेम वगैरह का, कोई भी चीज़ का, तो यह एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें आपका जो इंग्लिश पर एक तरह से आपको पकड़ मजबूत होगा। गेम है, गेम खेलकर भी आप अपना इंग्लिश का जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, बैलून गेम, स्क्रैबल गेम, स्पॉटीरियर गेम, जो भी है, तो एक बैलून गेम है उस पर मैंने क्लिक किया और एडवर्टीजमेंट तो आ ही जाएगा, इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है बैलून गेम, कहता है स्पाइस के नाम पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मसाला का नाम आएगा, उस पर आपको क्लिक करते जाना है, गलत होगा तो फिर आपका यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, गलत होगा तो फिर आपको माइनस हो जाएगा। फिर जिसे कहता है कि जो भी कह रहा है कि मसाला के नाम पर क्लिक करना है, बारी बारी से क्लिक करते जाना जो भी चीज़, और जैसे मान लिया जाए कि गलत पर मैंने क्लिक किया तो गलत आ गया,
तो उस तरह करके फिर अब आपको वापस हो जाना है। तो ब्लैक पेपर ये सब जिस पर आप सही पर करेगा सही टिक होगा। और यहाँ पर बता रहा है कि आपने 6 अटेम्प्ट किया, 5 सही जवाब दिए, 1 गलत जवाब दिए। होम पर जाना है तो होम पर क्लिक करिए। राइट पे यदि फिर से खेलना है तो रिट्राई करना है, इसे बैक कर देते हैं। और उस तरह जो भी गेम है आप खेल सकते हैं। मैं इसे बैक कर दिया, हमें अब ज़्यादा नहीं खेलना है, हमें सिर्फ आपको बताना था। फिर बैक कर दिया। बैक करने के बाद न्यूज़, यहाँ पर न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी समाचार आपको आता है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपडेटेड न्यूज़ है वह आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ख़ास करके जो स्टूडेंट जिनका इंग्लिश पुअर है तो उन्हें इस एप्लीकेशन के थ्रू उनका इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद मिलेगा। तो यदि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करें, इसका इसे यूज करके देखें, कुछ दिन समझ में सब कुछ आ जाएगा। और यदि आप इसे प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको टाइप करना होगा लर्न इंग्लिश, वहां से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली नए नए वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल के घंटा बटन भी क्लिक कर देगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।